देखो भारतीय संविधान दे विच और कार्य प्रणाली दे विच लेजिस्लेचर एग्जैक्टिव और जुडिशरी तीन बहुत ही इंपोर्टेंट थम ने जिन्हों के उपर देश ने समाज ने और राजा ने चलना हुंदा है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नाम के मुख्यमंत्री तो है पर अपने सारे फर्जा तो सारिया ड्यूटियां तो वह नदारद ने भगौड़े ने तो इस वजह करके अज पंजाब है जिहड़ा वो ड्राइवरलैस होया पिया। इस तो पहला भी कई बार असी देखे पंजाब के लोगों ने देखे असी विधानसभा दे विच भी देखे कि अफसर दे विच और मंत्रियों दे विच और कांग्रेस के MLA दे विच कई बार खिचोतान है जी होंगी जिहदी वजह करके एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकारी काम कर रहे हैं सफल होंगे ने। हुण अज जदों करोना नाम की महामारी है जिहड़ी पंजाब दे सिर चढ़ के बोल रही है हर रोज़ लोगों दी जानां जा रही ने वड्डे और अहम फैसले लैण की लोड़ है। अजिहे मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का आपकी कैबिनेट की मीटिंग दे विचों जिस दे विच सीनियर वजीर और अफसर मौजूद होण उहदे विचों नदारद होना उहदे विचों एबसेंट होना मैं समझदा कि इस तो वड्डी गैर जिम्मेवारी वाली गल नहीं हो सकती हैगी। और जिस तरीके दे नाल अज उस मीटिंग दे विच कोई फैसला लैण की बजाए अफसर की और वजीर की आपस दे विच खिचोतान हुई है भिड़त हुई आपस दे विच कलेश होया और उस तो बाद वजीरां दा वॉकआउट करके बाहर निकल जाना मैं समझदा कि हिंदुस्तान दे 73 साल दे इतिहास दे विच इस तो शर्मनाक गल और इस तो सियासी गिरावट वाला कोई इंसीडेंट इस तो पहला होया नहीं होना हैगा जिहदे लई जिम्मेवार अज कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी है। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बेनती करदे आ कि जे तुसीं तुहाडे कोल अपनी कैबिनेट वजारत दिया मीटिंग अटेंड करने लई भी नहीं समा हैगा या तुहाडा इंटरस्ट नहीं हैगा तो कृपा करके पंजाब का पहले ही बहुत नुकसान हो चुके कृपा करके तुसीं इस जिम्मेवारी तो फारग हो जाओ अपने किसी कैबिनेट कलीग नूं तुसीं मुख्यमंत्री थाप दिओ ताकि पंजाब इस ड्राइवरलैस गड्डी की तरह होर ना रहे क्योंकि इस तो वध अगे होर कोई नुकसान पंजाब तो सहन नहीं होना हैगा। सो कृपा करके पंजाब दे उपर मेहर करो।